हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम गाइस, बेल बजा है और मैं देखता हूँ क्या है। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। आपके सामने गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। आपके सामने बेल बजा और ये वीज़ा, इसके अंदर मुझे पता चलेगा कि मुझे शेंजिन का वीज़ा मिला है कि नहीं मिला है। ओके, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। सबसे पहले विदाउट बातें कम करके पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे टेबल पे इस कैमरा को रखता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, कैची लेके आता हूँ। होल्ड ऑन गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक्चुअली आई एम लिटरली वेरी स्केयर्ड। आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले लीना को ओपन करता हूँ। मुझे गॉड यार, ये ब्लू डार्ट का कुरियर आया हुआ है। यस 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 यस, लीना का वीजा आ चुका है। एक सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ मल्टी एंट्री वीजा 30 डेज, ड्यूरेशन आ चुका है, लीना का आ चुका है। और मुझे मेरा देखना है, और मेरा नहीं आया तो लग जाएगा रे। ओह माय गॉड, जस्ट चेकिंग। ओह माय गॉड, इट्स वेरी टेंस। आई एम जस्ट लिटरली टेंस। यस, आ गया। ओके, यस, आ गया। आई गॉट वीजा। एक सेकेंड गाइस, हम लोग का वीजा आ चुका है। ये देखो, वीजा है स्केम, ये पूरा मैं हूँ। ओ माय गॉड, वीजा है स्केम। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ गाइस, ये बेसिकली क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा एंट्री होगा 17 अक्टूबर एंड एग्जिट अनटिल आई कैन स्टे टिल 30 ऑफ नवम्बर तक। आई कैन स्टे टिल 30 ऑफ नवम्बर एंड दिस इज न्यूमेरस एंट्री, मल्टी एंट्री वीज़ा एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे 30 डेज। मैं इस बीच में, मेरे को वीज़ा मिला है टोटल 60 डेज के लिए वीज़ा मिला है, बट दिस इज ए मल्टी एंट्री वीज़ा, मतलब मैं यूरोप से बाहर पे निकल के मैं अगेन यूरोप में आ सकता हूँ। और मुझे 30 दिन तक रहने के लिए मुझे ऑप्शन है, 30 डेज तक। और मेरा और लीना का वीज़ा, दिस इज Yes guys, mine and Lina in बिल्कुल सेम, बिकॉज हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट किया था। गाइज, मैं इस वीडियो को अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगा, ओके, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट मैं आप लोगों को इतना सा खाली ब्रीफ बोल दूँ। मेरे को और लीना को, हस्बैंड वाइफ, मैं और मेरी वाइफ, तो वी गॉट दी मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ओके, फॉर 45 डेज वीज़ा वैलिडिटी। जो पीरियड होगा वो होगा 45 डेज के लिए, और बिकॉज हम लोग जॉब है तो हम लोगों का जो कवर लेटर में उस तरह से मेंशन किया हुआ था। और हम लोगों को मिला है 30 डेज नॉन स्टॉप वी कैन स्टे, इधर नॉन स्टॉप और हम लोग 7 दिन जाके यूरोप से बाहर निकल के फिर से कहीं पे जाके फिर से हम लोग यूरोप पे, टोटल 30 डेज स्टे के हिसाब से हम लोग रह सकते हैं। सो दैट्स द एंटायर थिंग। ये वीडियो का कारण था कि आप लोगों को जस्ट लाइव दिखाना, ओके, दैट्स द ओनली थिंग। कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कुछ दिनों के बाद, थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद इन 1 or 2 months आफ्टर, तो इसका बहुत से कंटेंट आएंगे, बहुत से छोटे छोटे कंटेंट आएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसके अगले या फिर 2-3 हफ्ते के बाद, अभी क्योंकि केरला सीरीज़ मेरा कंप्लीट हो रहा है, आप लोग जाके प्लीज़ देख सकते हो केरला सीरीज़, मेरे ट्रैवल के जितने भी ब्लॉग्स हैं, मैं इन डेप्थ में प्रॉपरली आप लोगों से सब कुछ, सारी चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा। बट इस ब्लॉग में मैं खाली लाइव आप लोगों को दिखाना चाहता था। मेरे सामने बिल्कुल लाइव आया था डिलीवरी गाय, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, क्योंकि मुझे गेट में पता चले गया कि ब्लू डॉट वाला आया हुआ है, उसके अलावा मैंने आपके सामने ओपन किया और वो सारी जो फीलिंग्स है वो रियल फीलिंग्स है आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ। ठीक है, प्लीज़ बने रहो, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आर गोइंग टू कम, ओके। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम अप्लाई फॉर शेंजेन वीज़ा थ्रू स्पेन एम्बेसी, मैंने स्पेन एम्बेसी के थ्रू में अप्लाई किया था, और मुझे टोटल बोल सकते हो मैंने 14th को मैंने सबमिट किया था। टुडे इज़ ऑलमोस्ट 28, हाँ 14th, बीच में 2 सैटरडे संडे थे,
तो मोस्ट प्रोबली आई गॉट द वीज़ा विद इन 10 वर्किंग डेज आई गॉट द वीज़ा. सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है अपॉइंटमेंट का. मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? इसके नेक्स्ट कमिंग 2-3 हफ्ते की ब्लॉग आएगी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ओके, गुड नाइट सिया.